हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो हेलो हेलो, जस्ट टुडे आई एम टैक टू यू कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइफ. ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट विच कंडीशन एंड व्हाट नेसेसरी कंडीशन एंड हाउ टू फॉर्म इंटरफेरेंस. ओके, विच कंडीशन कंपल्सरी एंड विच आर वेरी सिंपल. ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कंपल्सरी क्या है और नॉर्मल कंडीशन क्या है. ठीक है, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब क्या कंडीशन होती है कि लाइट जो है हमें जो है इंटरफेरेंस मिलना चाहिए. क्या कंडीशन है या क्या कंडीशन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जिससे हमें क्या मिले कि क्या कंडीशन हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न मिले या इंटरफेरेंस हो. तो हम लोग जानते हैं क्या, वैसे जनरली जो आइडिया हमने बता दिया था. जन बाबू ले लो, मारेंगे उसको, देखो मोबाइल खराब करना. ठीक है, तो देखो बेटा क्या लेना है. तो सबसे पहले हमको, हम लोग जनरली क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि कोहरेंट होना चाहिए. कोहरेंट मतलब एक ही सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो और इंटरफेरेंस हो, स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, लगभग इक्वल होना चाहिए. ठीक है, दो चीज हो गया, लाइट का कलर सेम होना चाहिए मतलब सेम इंटेंसिटी की लाइट होनी चाहिए, सेम सोर्स होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन हो गया. अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है, वो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है. ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है. तो एक्स्ट्रा हमारा कंडीशन क्या है देखते हैं. तो एक्स्ट्रा कंडीशन है टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहरेंट. क्या है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहरेंट. कोहरेंट का मतलब है, कोहरेंट का मतलब है एक ही सोर्स से जो प्रोड्यूस हो, एक ही सोर्स हो. जैसे हमने उसमें दिखाया था कि यस क्या है, मेन सोर्स है और वहां दो तो होल कर दिए हैं तो सेम सोर्स हो गया और फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया. दैट इज दे शुड लाइट वेव हैविंग शार्पली डिफाइंड फेज डिफरेंस That remain constant with time. जब सेम सोर्स लेते हैं तो जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है मतलब कांस्टेंट होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, सेम सोर्स होने की वजह से क्या होगा, when two sources of light should be coherent तब होगा, that is they should have light with having sharply defined phase difference that remain constant. इसका मतलब phase difference क्या होगा, जीरो होगा, मतलब दोनों light के waves का जो frequency का phase difference होगा, जो amplitude का phase difference होगा वो क्या होगा, दोनों same होना चाहिए या बहुत slightly difference होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड, the wave emitted by two sources should have same frequency. देखिए सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड यहाँ क्या हो, साथ ही फेज डिफरेंस हो मतलब कांस्टेंट हो. एम्पलीट्यूड यहाँ लगभग लोग क्यों चाहिए, जो इसमें ए वन ए टू को लिखा है तो मानने के लिए लिखा है, पर एक ही सोर्स है इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम है. ठीक है, तो यहाँ क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. दी सेपरेशन बिटवीन दी लाइट सोर्स डी जो स्मॉल डी शुड बी एज स्मॉल पॉसिबल, मतलब जो हमने होल किया था यहाँ पे, जो स्लिट में यहाँ पे किया था यस वन यस टू, ये जितना कम रखेंगे ये वाला यहाँ पे, मतलब होल जितना पास होगा उतना अच्छा हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. ठीक है, तो थर्ड क्या है, दिस सेपरेशन बिटवीन द लाइट सोर्सेस डी शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक हमें क्या रखना होगा, होल को रखना पड़ेगा. ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या है, द डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी मतलब जो स्क्रीन रखी, जहां फर्स्ट सेकंड स्लिट से स्क्रीन जितने डिस्टेंस रखे उस डिस्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं. जितना ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे जो फ्रिंज होगा, यहां पे जो फ्रिंज मिलता है यहां पे इसकी ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब पैटर्न हमें दिखेगा, और पास ला के रख देंगे तो पैटर्न में बहुत सेपरेशन बहुत कम रहेगा. सेपरेशन कम होने की वजह से हमें क्या होगा, दिखेगा नहीं, जितना दूर रखेंगे उतना बड़ा बड़ा सर्कल बनेगा और थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाएगी इसके इसके बीच में, तो क्या करेंगे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, the distance d of the source d of the screen from the two sources should be क्या होगा, quite large, मतलब जितना possible हो सके क्या करें, स्क्रीन को दूर रखेंगे. amplitude a1 a2 of the interfering wave should be equal,
वेरी नियरली इक्वल। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है दोनों का, दोनों जो इंटरफेस तो सेम सोर्स होगा, एम्पलीट्यूड लगभग लगभग इक्वल होता है, मान लो एकदम इक्वल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही कमी होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, एम्पलीट्यूड सेम है। द टू सोर्सेस शुड बी क्वाइट नैरो, और टू शुड बी क्वाइट नैरो, टू सोर्सेज जो होगा वो बहुत ही क्या होगा, नैरो मतलब जो होल होगा बहुत ही छोटा होना चाहिए जो होल हो, जिससे S1 S2 जो होल क्या हो, the two sources should be quite narrow, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे ये सब कंडीशन है इंटरफ्रेंस होने का। तो ये हमारा क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हमारा है कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहरेंट, दैट इज शुड बी लाइट वेव हैविंग शार्पली डिफाइंड फेज डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस एकदम कम होना चाहिए, और यहाँ पे जो है सेम फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कंपल्सरी कंडीशन है, और ये जो नीचे के दो है ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, ये अगर नहीं होगा तो इंटरफ्रेंस नहीं हो पाएगा। ये क्या है हमारी, ये कंडीशन क्या है, ये कंपलसरी है, और ये क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन, ये जरूरी है, ये नेसेसरी बिना इसके। तो ये दो हमारी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें कंपलसरी नेसेसरी, इसके बिना होगा तो ये हमारा क्या होगा, इंटरफ्रेंस इससे मिल जाएगा। ओके चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है आया समझ में, तो चलिए ठीक है, बस करते हैं, तो ओके थैंक यू।